नंबर तीन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ए की प्रायिकता दी हुई है 0.8, बी की प्रायिकता दी हुई है 0.5 और यहाँ दिया हुआ है पी बी बाई ए है ना, क्या दिया हुआ है 0.4। हमें पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी और पी ए यूनियन बी निकालना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। हम लोग पी ए बाई बी के लिए देखिए यहाँ पी बी बाई ए हमारे पास कितना दिया है 0.4। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई में नीचे पी ए हो जाएगा, ये ना होगा फॉर्मूला इसका। चलिए बराबर में 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में ए की प्रायिकता यहाँ कितनी है तो 0.8 है, बराबर में है 0.4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में यहाँ पे ये जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.32 आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, पहला वाले का आंसर हो गया। ए बाई बी निकालना है, चलिए अब इसको निकाल देते हैं। दूसरा पी ए बाई बी की प्रायिकता है, यानी कि हमें निकालना है इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए 0.32 और बी की प्रायिकता है 0.5। यहाँ पर आप इसमें भाग कर दीजिए या फिर आप एक काम करिए, पॉइंट हटाते हैं पहले, ऊपर 10 और नीचे यहाँ 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ ये 16 और ये यहाँ पर 25, 5 आएगा तो 50 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 लिख दो, तो ये आपका 16/50। अगर आप दशमलव में करना चाहेंगे तो 0.6 में यहाँ 6/4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए तीसरे में क्या निकालना था, ए यूनियन बी की प्रायिकता। चलिए ए यूनियन बी की प्रायिकता, तो इसके लिए तो हम फॉर्मूला 11th में पढ़े हैं ना जी, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ठीक है। चलिए ये आपका कितना है, ये ए की प्रायिकता ऊपर 0.8, ठीक है 0.8, बी की प्रायिकता 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता यहाँ है 0.32, ठीक है। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1.3 और माइनस का, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.32, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.98 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नेक्स्ट।